अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 12 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू सेंड मेल थ्रू जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट के थ्रू आप मेल को कैसे सेंड करते हैं, मेल को कैसे रिसीव करते हैं जीमेल अकाउंट से, और डिलीट कैसे करते हैं मेल्स को, और मूव कैसे करते हैं यानी अदर फोल्डर। तो ये काम हमने यो में भी किए थे, आज हम इसमें भी करते हैं, जीमेल में भी करते हैं। तो इसके लिए मैं ब्राउजर को ओपन करता हूं। तो प्रीवियस लेसन में हमने जीमेल का अकाउंट बनाना सीखा था, आज के लेसन में हम इसमें देखेंगे आप मेल कैसे सेंड करते हैं इसमें और मेल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेल सेंड करने के लिए आपने सबसे पहले कंपोज मेल पे क्लिक करना है। कंपोज मेल में क्लिक करने के बाद आपने यहां पर एड्रेस देना है। तो एड्रेस में देता हूं यहां पर tambur.parvez@yahoo.com। सब्जेक्ट में यहां पे देखता लिखता हूं जी डॉक्यूमेंट्स। यहां पे आप और भी अगर किसी को लिखना है, और भी आप मेल सेंड करना चाह रहे हो, तो यहां पे और भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। जितने ज्यादा एड्रेस लिखेंगे उतना ज्यादा मेल आप यहां से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपने कंप्लीट अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये चीजें मैंने सारी आपको बताई हुई है। अटैचमेंट करना चाहें तो आप अटैचमेंट कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट की तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट फॉर्मेटिंग यहाँ पे दी हुई है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज बढ़ाना है, सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहां से कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूं। टेक्स्ट मैंने कॉपी किया और पेस्ट करता हूं यहां पे। अब मेरे पास यहां पे जो टेक्स्ट है, ये सब पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको आप यहां से इसमें चेंजिंग करना चाहें चेंजिंग कर सकते हैं। आप सारे को बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड नहीं करना चाहते बोल्ड ना करें। साइज लार्ज है, लार्ज करना चाहते हैं लार्ज हो जाएगा, स्मॉल करते हैं स्मॉल हो जाएगा, नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा, आपकी मर्जी है। राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, वाइट करते हैं वाइट राइटिंग स्टाइल आ जाएगा, नैरो करते हैं नैरो, और यहाँ से आप चीज चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं आप, अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन हो जाएगा टेक्स्ट, अटैलिक करना चाहते हैं अटैलिक हो जाएगा, सेंटर में करना चाह रहे हैं टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे करते हैं लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, नंबर देना चाहते हैं नंबर दे सकते हैं, बुलेट देना चाहते हैं बुलेट्स, एंडिक करना चाहें और एंडिक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं कम कर सकते हैं। अटैच फाइल है, फाइल को आप किसी फाइल को भी अटैच करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर को साथ अटैच करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप कोई और अटैच भी करना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल सीवी वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करना चाह रहे हैं, अटैच में क्लिक करता हूं दोबारा। देखें अटैच किया और यहां से मैं डाउनलोड से मैं फॉर एग्जांपल सीवी मेरे पास पड़ी हुई, मैं उसको अटैच करता हूं। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए इसके साथ। अटैच करने के बाद आपने यहां से सेंड का बटन प्रेस करना, यहां पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये यहां से सेंड हो जाएगा। अभी यहां से सेंड हो गया है, अब ये अगर आप देखना चाहते हैं सेंड हुआ है कि नहीं, तो यहां पे देखिए यहां पे लिखा हुआ है Your message has been sent। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जरा send में, send mail पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ जरा। तो send mail में देखें तो मेरे पास ये document send हो गया है। कहाँ पे send हुआ है? Complete detail आपको मिल जाएगी। तैमूर परवेज के नाम पे send हुआ है और ये दोनों चीजें इस पे send हुई हैं। ये लिखा हुआ डेटा जितना भी send हुआ है। Dot पे क्लिक करें तो dot में भी आपके आप अगर मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं आपने कोई भी मैसेज वगैरह। अगर आपका मैसेज फेल हो गया इन सेंड नहीं हुआ फेल हो जाता है तो वो ड्रॉफ में आ जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मेल लिखते लिखते फॉर एग्जांपल मैं कंपोज करता हूं मेल, ये काम किया करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूं फॉर एग्जांपल। अब जब मैंने क्लोज किया तो देखिए ये यहां पे ड्रॉफ में मेरे पास आ गया, ये देखें यस देखिए ड्रॉफ में आ जाता है मेल। तो कोई मेल अगर आपका कैंसिल हो गया है डिलीट हो गया है या आपने क्लोज कर दिया तो ड्रॉप में आपके पास आ जाता है।
डिस्कार्ड ड्रॉप का फंक्शन है कि इसमें से जो भी मैसेजेस होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट का मतलब यह है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट आपके मेल्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट में से मूव कर सकते हैं। चैट का क्या फंक्शन है कि कौन कौन लोग ऑनलाइन है, अगर यहाँ पे कोई ऑनलाइन लोग हैं तो आप उनसे क्लिक करके आप उनसे चैट भी कर सकते हैं और उनको ऑडियो कॉल भी यहाँ से आप कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो बंदा भी आपस इंटरनेट में कनेक्ट हो और आपस वो ऐड हो, अगर ऐड है तो आप उसे यहाँ से चैट कर सकते हैं। उसके बाद आल मेल, जितने भी ईमेल हैं सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे वो आपके पास इनबॉक्स में, या तो प्राइमरी में है, सोशल में है, जहाँ कहीं भी पड़े हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब सोशल में देखें, गूगल टीम की तरफ से आप मैसेज आया, वो ये सोशल आगे इसको आप डिलीट करना चाहिए, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। उस पर स्पैम है, स्पैम का फंक्शन ये होता है कि अगर आपके पास कोई बंदा आपके पास सेव नहीं है, या फिर स्पैम ऐसे मैसेज होते हैं जो आप ज्यादातर तकरीबन कह रहे हैं कि मैसेज दैट हैव बीन इन स्पैम मोर देन 30 डेज विल बी ऑटोमेटिकली डिलीट। तो स्पैम के अंदर जितने मैसेज होते हैं वो 30 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये डिलीट हो जाते हैं। और ये जो स्पैम के अंदर जो मैसेज होते हैं, वो वाले मैसेज होते हैं अगर कोई बंदा आपका सेव नहीं है उसका अकाउंट, तो वो आपको मेल करता है, तो वो मेल वास्तव में स्पैम में भी आ जाते हैं। हम यहाँ से सर्च करके आप देख लीजिए। थ्रेश में क्या होता है कि आपने जो जो मैसेज डिलीट किए होते हैं वो सारे सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जिस तरह रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर का, तो रिसाइकल बिन की तरह ये भी वापस चीज होती है। एम्प्टी थ्रेश नाउ करते हैं तो ये सारे के सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। तो ये जी आपके मेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं यहाँ पे यो का मेल ओपन करता हूँ जिसमें मैंने मेल सेंड किया। यो मेल लिखता हूँ और कंट्रोल एंटर करता हूँ, यो मेल मेरे पास ओपन हो जाएगी। यो मेल मेरे पास ओपन हो गया और तैमूर डॉट परवेज के नाम से है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसे किस तरह जो है, तो आप यहाँ पे साइन इन कैसे हो सकते हैं। अब इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, तो इनबॉक्स में अभी मैंने मैसेज भेजा जी तैमूर परवेज के नाम से, डॉक्यूमेंट्स के नाम से मैंने भेजा है, और उसमें मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ था वो भी आ गया सामने, और जो मैंने पिक्चर आपको उसी में से मैंने पिक्चर भी कुछ भेजी थी वो पिक्चर भी यहाँ पे सामने आ गया। शो इमेज पे क्लिक करें तो उस पर जो इमेज है वो भी आप बस सामने आ जाएंगी। देखिए इमेज में आपके पास सामने टू अटैचमेंट है, देख सकते हैं टू अटैचमेंट के साथ। व्यू ऑल पे क्लिक करें, दोनों की दोनों सामने आ जाएंगे अटैचमेंट, उसमें एक पिक्चर और एक सीवी है। डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, क्लोज करना चाहें क्लोज कर सकते हैं। पिक्चर का साइज थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम ले लीजिए। नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे देखें तो आपका माई डॉक्यूमेंट में माई सीवी डॉट डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड से करना चाहें क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। और सेकंड मैंने आपको पिक्चर है ये देखें, टाइगर की एचडी पिक्चर है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके ओपन हो जाएगी आपके सामने। डाउनलोड करना चाहिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं कंपोज करता हूँ मेल, तैमूर परवेज 123 @gmail.com, थैंक्स फॉर मैसेज। यहां से भी अटैचमेंट करना चाहें तो आप अटैच कर सकते हैं, अटैच पे क्लिक करता हूँ। और मैंने क्या अटैच करना है जी, फॉर एग्जाम्पल सीवी अटैच करनी है, सीवी आ गया, इसको मैं यहां से क्या करता हूँ सेंड कर देता हूँ। यहाँ से सेंड हो गया और आप यहाँ पे बस मेल में आ जाएगी। देखिए आप अपना ईमेल चेक करें तो यहाँ पे बस ईमेल में आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन आपका ईमेल यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सारा का सारा डेटा। तो सेंड मेल से भी डिलीट करना चाहिए, यहाँ से आप क्लिक करें इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से डिलीट करना चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं।
मेल को मूव कैसे करते हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं आप। सेंड में देखता हूँ मैंने कहाँ मेल किया। दोबारा इसको ओपन कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि इसमें मेल जल्दी आ जाए। ओके तो मेल थोड़ा सा टाइम लेगा मेल आने में। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास मेल आ गया जी, इनबॉक्स पे क्लिक करें तो आपके पास एक टैम्बो प्रोविज के नाम से मेल आ गया और साथ में सीवी भी आ गया। अब इसको ओपन करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकालना चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जूम करना चाहें जूम भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले बटन पे, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड होगा, स्टार्ट करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जी आपका मेल आप कैसे सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं। और आप इस मेल को आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मूव टू फोल्डर है, सोशल में करना चाह रहे हैं, प्रमोशन में करना चाह रहे हैं, अपडेटिंग में, फॉर्म में, स्पैम में, स्वच्छ में, क्रिएट न्यू न्यू बनाना चाह रहे हैं आप अगर, या मैनेज लेवल पे क्लिक करते हैं मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और फोल्डर का नाम देता हूँ पर्सनल मेल्स। क्रिएट करता हूँ मूव टू पर्सनल मेल में, ये मूव हो गया तो पर्सनल मेल का ये वाला फोल्डर बन गया और इसके अंदर वो मूव हो गया, देख सकते हैं। तो जी ईमेल का ये तरीका है, ईमेल आप कैसे कर सकते हैं, ईमेल को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। ई जो होता है इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, कि आप इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और मेल मेल सेंड करना। तो ये जी कंप्लीट डिटेल हमने देखी आपके सेंड कैसे कर सकते हैं, रिसीव कैसे कर सकते हैं अपने मेल को, उसके अलावा डिलीट कैसे कर सकते हैं और कंप्लीट इनबॉक्स क्या होता है, स्टार्टेड क्या होता है, सेंड मेल, ड्राफ्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंड चल आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।